क्वेश्चन में गिवन आपके पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू स्केयर रूट 17। अब अपने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ए बी फार्मूला हमने यूज करना है, ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल्स टू 4ab। अब ए प्लस बी की आपको वैल्यू क्या दी गई थी, 5, और ए माइनस बी की आपको वैल्यू दी गई थी स्केयर रूट 17, मैंने वही पुट कर दी। अब 5 का स्केयर किसके इक्वल है, आपके पास 25, और ये स्केयर जो है ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, आपके पास आ जाएगा 17, और दूसरी साइड पे आपके पास मौजूद है 4ab। तो स्टूडेंट 25 में से जब माइनस करेंगे 17 तो आपके पास लेफ्ट रह जाएगा 8, और आपके पास दूसरी साइड पे 4ab। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ab की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 एज अ कोफिशियंट है, आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है, 4 4 से कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ab इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह से क्वेश्चन 2 आपको दिया गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 45, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपने फार्मूला मैच करना है कि मैं इस क्वेश्चन में जो मैंने वैल्यू फाइंड करनी है उस पर कौन सा फार्मूला मैच हो रहा है, कौन सा फार्मूला फिट हो रहा है उस पर। तो आपके पास फार्मूला नंबर 3 जो कि आपके पास है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, आपने गिवन लिख लेना है कि आपके पास गिवन है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 45, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। टू फाइंड द वैल्यू, अपनी वैल्यू क्या फाइंड करिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फार्मूला यूज़ किया, अब आपको वैल्यू दी गई है ए प्लस बी प्लस सी की -1, वो पुट कर ली। फिर आपको वैल्यू दी गई है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की 45, वो पुट कर ली, बाकी एज इट इज़। अब -1 स्क्वेयर 1 45, एज इट इज़ 45 जब ने इक्वल के दूसरी साइड पे जाना है तो आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस साइड पे जो है 2ab प्लस bc प्लस ca विद इन अ ब्रैकेट एज इट इज़ लिखा गया। यहाँ पे स्टूडेंट जब हमने प्लस माइनस माइनस 45 में से -1 के 44 ग्रेटर नंबर का साइन और साथ 2। अब वैल्यू आपको फाइंड करने को क्या कहा गया था, ab प्लस bc प्लस ca। अब 2 बोथ साइड्स पे डिवाइड किया गया, उसके बाद कटिंग की गई, 2 1 2 2 2 2 4, 2 2 4, तो आपके पास वैल्यू प्रूव होके आ गई, साइड पे 2 2 से कैंसिल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -22। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एम प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10 एंड एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स हम फार्मूले में जो वेरिएबल यूज कर रहे थे वो ए बी एंड सी, यहाँ पे आपके पास वही फार्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पे अब जो वेरिएबल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं एम एन और पी, नेमिंग चेंज हुई है, ए की जगह एम, बी की जगह एन और सी की जगह पी, बाकी आपने वही जो है फार्मूले यूज़ करने हैं। तो अब आप देखें, आप इस पे फार्मूला मैच करें कि आप कौन से फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करेंगी तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने अभी यूज़ किया, जिसके थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की जगह हमने एम एन और पी यूज करने हैं। अब स्टूडेंट देखें आपके पास गिवन क्या था, एम एन और पी इज इक्वल टू 10, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू 27। टू फाइंड द वैल्यू, अपने वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। फार्मूला जो यूज किया मैंने यहाँ पे ए की जगह एम, बी की जगह एन और सी की जगह पी लिख दिया, बाकी फार्मूला आपके पास वही है। आपको वैल्यू दी गई थी एम प्लस एन प्लस पी की 10 और एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की दी गई थी 27, जो कि पुट कर लेगी। अब 10 का स्क्वेयर 100 और 27 का जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54। अब 100 अपनी ही जगह पे 54 ने जब इक्वल क्रॉस करके आना है, माइनस में कन्वर्ट कर दिया गया, जब कैलकुलेशन सॉल्व की प्लस माइनस माइनस आपके पास आ गया 46, बाकी जो है सब एज इट इज़, तो आपके पास एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड होगी 46। स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 78, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 59, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो गिवन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर 78, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी एक्स जो है आपके पास दिया गया 59। आपने फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जी। अब फार्मूला आप मैच करें कि किस फार्मूले के थ्रू जो है मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, तो आपने फार्मूला मैच कर लेना है, आपके पास यही फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अब जो है आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है एक्स वाई और जी, यहाँ पे ए बी सी की फॉर्म में दिया है, तो आपने इस फार्मूले को एक्स वाई और जी की फॉर्म में लिख लेना है, ए आपका एक्स, बी वाई और सी जो है वो आपका होगा जी।
तो फार्मूला वही है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी सी प्लस सी है। मैंने यहाँ पे ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई और सी की जगह जी फिट कर दिया, बाकी सारा वही फार्मूला है। आपने सिर्फ जहाँ ए है वहाँ एक्स, जहाँ बी है वहाँ वाई और जहाँ सी है वहाँ जी लिख देना। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जगह 78 लिख दिया गया, और दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की जगह लिख दिया 59। अब 59 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 118, 78 प्लस 118 इज इक्वल टू 196। अब स्टूडेंट स्केयर कैंसिल करना है, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करने को क्या कहा गया था, एक्स प्लस वाई प्लस जी। स्केयर कैंसिल करने के लिए आपने बोथ साइड्स पे स्केयर रूट लेना है। जब बोथ साइड्स पे स्केयर रूट लिया, 196 किसका स्केयर है, 14 का, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू 196। फिर 2 टाइम्स है, आपने स्केयर बनाना है इसका, और आपको पता है कि स्केयर जो है वो स्केयर रूट को कैंसिल कर देता है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कहा गया एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 64। टू फाइंड द वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, जो फार्मूला यूज़ किया गया है अभी क्वेश्चन नंबर 4 में वही फार्मूला यूज़ किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूले में हमने ए बी और सी वेरिएबल्स यूज़ किए, यहाँ पे आपने एक्स वाई और जी यूज़ करना है। गिवन आपको दिया गया एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 64। आपने फाइंड क्या करना है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, तो आप लिख देंगे टू फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो अब जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू दी गई एक्स प्लस वाई प्लस जी की 12, और एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर की दी गई आपके पास 64। तो हमने पहले लेना है 12 का स्केयर, 12 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब हमने क्या करना है, 64 को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाना है, आपके पास आ जाएगा 80। जब हम उन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 144 माइनस 68 इज इक्वल टू 80, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना है। और दूसरी साइड पे आपके पास मौजूद है 2 विद इन अ ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। स्टूडेंट्स क्योंकि हमने अब वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की, तो 2 यहाँ पे एज अ कोफिशियंट है, आपने डिवाइड करना है बोथ साइड्स पे। जब आप डिवाइड करेंगी तो 2 2 से कैंसिल, 2 1 जर 2, 2 4 जर 8 और 0। सो स्टूडेंट वैल्यू आपके पास फाइंड हो चुकी है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 40।